हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल फ़ोन से गलती से आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी पीडीएफ, कोई भी फाइल आपसे गलती से डिलीट हो जाती है, तो आप उस डिलीट हुई डॉक्यूमेंट्स को, पीडीएफ फाइल को कैसे रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि कैसे आप डिलीट हुई डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल कैसे रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च करना है डॉक्यूमेंट रिकवरी, आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको फ्रेंड्स तीसरा वाला ऐप दिख रहा है आपको। आप फ्रेंड्स इस ऐप का लोगो देख सकते हैं। इस ऐप का लोगो कुछ इस तरह का होगा। फ्रेंड्स, इस ऐप का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस ऐप की मदद से आप कैसे डिलीट हुई डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ फाइल को कैसे रिकवर कर सकते हैं, चलिए मैं इस ऐप का आपको यूज़ करके बता देता हूँ। फ्रेंड्स, करते हैं इस ऐप को ओपन। ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है रिकवरी मेथड वन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ी प्रोसेसिंग चलेगी। इस प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फ्रेंड्स आप इस प्रोसेसिंग को कम्प्लीट होने दें। प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहां लिखा है फिनिश, आप फ्रेंड्स फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहां ऑप्शन आ रहा है व्यू रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, आपके जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए थे वो रिकवर हो गए हैं, अब आप यहां पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है और रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जितनी पीडीएफ फाइल थी, वो यहाँ पे शो कर रही हैं। फ्रेंड्स, आप जिस भी पीडीएफ फाइल को रिकवर करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स, मैं इसको रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आप सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ को रिकवर करना चाहते हैं, तो आप सबको क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने केवल इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ऊपर थ्री बिंदी दिख रही हैं, थ्री डॉट दिख रहे हैं, आप उन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर का, आप रीस्टोर पर क्लिक कर लेंगे। रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको अपनी पीडीएफ आपको अपनी जीमेल पर सेंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जीमेल पर इसको सेंड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीमेल आईडी ऊपर से चेंज करना चाहते हैं, तो वहां से चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी यहां पे जिस भी जीमेल आईडी पर अपनी पीडीएफ फाइल को सेंड करना है, आप अपनी यहां पे उस जीमेल आईडी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी जीमेल आईडी डाल देता हूं। जीमेल आईडी डालने के बाद फ्रेंड्स, आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आपने जो भी जीमेल आईडी डाली थी, आप उस जीमेल आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने इस ईमेल आईडी पर वो डिलीट डॉक्यूमेंट्स भेजा था, देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं डाउनलोड का तीर दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो गया है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड हो गया है। अब फ्रेंड्स, आपको अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। आपका फाइल मैनेजर है, आप फाइल मैनेजर को ओपन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने ऊपर सबसे पहला ऊपर आपको ने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल रिकवर करी है फ्रेंड्स, वो ऊपर आ रही है। अब फ्रेंड्स, आप इस पर इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर थ्री बिंदी दिख रही है, आप थ्री बिंदी पर इस पर क्लिक कर देंगे। थ्री बिंदी पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप इसका नाम चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसका नाम चेंज जो भी रखना चाहते हैं, मैं फ्रेंड्स इसका नाम रख देता हूँ।
फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इसका करण नाम रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। करण नाम रखने के बाद फ्रेंड्स चलिए मैं आपको अब पीडीएफ दिखा देता हूँ कि वो पीडीएफ कहाँ पे गई है। आपको फ्रेंड यहाँ डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो भी डिलीट हुई रिकवर पीडीएफ फाइल थी वो डाउनलोड कर ली थी। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे ऊपर करण नाम से आपने फाइल को पीडीएफ फाइल को सेव करके रख लिया था करण नाम से। अब देख सकते हैं मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स इसको ओपन करेंगे देख सकते हैं वो पीडीएफ आपके सामने ओपन होके आ गई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स पीडीएफ कुछ इस तरह की है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल फ़ोन से गलती से कोई भी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल डिलीट हो जाती है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं।